हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मैजिकल लाइन के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने इनविटेशन करने के दौरान इस्तेमाल कर लिया ना, तो आई एम 100% श्योर आपके इनविटेशन में ना चार चांद लग जाएगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल जिसको आप इन्वाइट करोगे ना, वो आपके वेबिनार में जरूर आएंगे, वो आपके वेबिनार को जरूर अटेंड करेंगे, या फिर अगर आप कोई वीडियो शेयर करते हो उन्हें देखने के लिए, तो उस वीडियो को भी वो जरूर देखेगा और वो आपको रिप्लाई भी करेगा अगर आपने इस मैजिकल लाइन को इस्तेमाल कर लिया तो। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा मैजिकल लाइन है ना जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब मैं खुद इन्विटेशन करता हूँ प्रोस्पेक्ट का, तो मुझे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आता है। तो अगर आप भी इस लाइन को यूज़ करोगे ना, तो आपको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि वो मैजिकल लाइन क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट उसकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो वो मैजिकल लाइन कौन सी है, वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहा था कि सर हम लोगों को इनवाइट तो करते हैं, बट सर लोग ना व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करते, लोग सर वेबिनार को अटेंड नहीं करते, सर हम लोगों को वीडियो शेयर तो करते हैं बट वो सर वीडियो देखकर रिप्लाई नहीं करते हैं, या तो सर वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो मैजिकल लाइन के बारे में। अगर आप इस मैजिकल लाइन को अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, तो आपका ये सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लोग आपको ब्लॉक भी नहीं करेंगे, ठीक है, लोग आपके वेबिनार को भी अटेंड करेंगे, और वेबिनार को देखने के बाद आपको रिप्लाई भी करेंगे, या फिर अगर आप कोई वीडियो शेयर करते हो ना, तो उस वीडियो को देखने के बाद वो रिप्लाई भी करेगा। आई एम 100% श्योर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी मैजिकल लाइन है जिसको आपको अपने इन्विटेशन में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैजिकल लाइन है उसको आप ध्यान से समझना। आपको सामने वाले को बोलना है कि ब्रदर, अभी जो मैं आपको वीडियो लिंक शेयर करने वाला हूं, या फिर जो मैं अभी आपको वेबिनार का लिंक शेयर करने वाला हूं ना, इसको आप पूरा एंड तक देखना, ठीक है, और मुझे आप रिप्लाई करना। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, हम आगे काम को और समझेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना, तो हम एक अच्छे दोस्त रहेंगे। मैंने क्या बोला, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो हम एक अच्छे दोस्त रहेंगे। जब मैं ये लाइन जैसे ही बोलूंगा ना, तो इससे फायदा ये होगा, सबसे पहली चीज तो हम दोनों में रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फायदा ये होगा कि सामने वाले को ना ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हम उससे चिपक रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, प्रोस्पेक्ट को ये फील हो जाता है कि यार ये बंदा ना मेरे से बहुत ज्यादा चिपक रहा है। जब आप किसी से चिपकते हो ना, तो वो सामने वाला कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमें सामने वाले को कभी भी ना, सामने वाले को ये फील नहीं करवाना है कि हम चिपक रहे हैं उससे। तो जब आप ये लाइन इस्तेमाल करोगे ना, तो सामने वाले को ये फील हो जाएगा कि यार ये बंदा जो है ना मेरे से चिपक नहीं रहा। ठीक है, ये फायदा होगा। और तीसरा फायदा ये होगा कि सामने वाला ना आपको ब्लॉक नहीं करेगा। अगर वो नॉट इंटरेस्टेड भी होगा ना, तो भी वो ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या बोला है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना, तो हम एक अच्छे दोस्त रहेंगे। समझ आया? तो ये थी फर्स्ट मैजिकल लाइन। सो अब हम बात करते हैं मैजिकल लाइन नंबर टू। ठीक है, मैजिकल लाइन नंबर टू भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी लाइन है ये। ठीक है, जिसको मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। आपको सामने वाले को बोलना है कि ब्रदर, आज जो हमारा वेबिनार होने वाला है ना, अगर आपने इसको पूरा एंड तक देख लिया ना मेरे भाई, तो आप ना इस बिजनेस को, आप इस काम को किए बिना रह नहीं पाओगे। मैंने क्या बोला कि अगर आपने इस वेबिनार को पूरा एंड तक अटेंड कर लिया, तो आप इस बिजनेस को किए बिना रह ही नहीं पाओगे। जैसे हम ये लाइन बोलेंगे ना, तो इससे होगा क्या कि प्रोस्पेक्ट के माइंड में ना क्यूरियोसिटी जाग जाएगी कि भाई ऐसा भी क्या है इस बिजनेस में जिसको मैं किए बिना रह नहीं सकता। तो इससे फायदा ये होगा कि सबसे पहले चीज तो क्यूरियोसिटी जाग जाएगी। जैसे ही क्यूरियोसिटी जागेगी ना, तो उसको क्या होगा कि वो उस वेबिनार को पूरा एंड तक देखेगा। ठीक है, और वो आपको व्हाट्सअप में रिप्लाई भी करेगा कि सर मैम मुझे लिंक भेज दो, मुझे अटेंड करना है। क्योंकि हमने ऐसा लाइन ही मार दिया कि अगर आपने उसको अटेंड कर लिया, तो आप किए बिना रह नहीं पाओगे। अब उसके माइंड में चीज चलता रहेगा, भाई ऐसा भी क्या है इस बिजनेस में, अब तो अटेंड करना बनता है, जो भी हो जाए अटेंड तो करूंगा। समझ आया? तो इससे फायदा ये होगा कि पूरा वेबिनार को वो एंड तक देखेगा। कई बार क्या होता है कि हम अपने लोगों को लिंक तो शेयर करते हैं प्रोस्पेक्ट को, बट वो पूरा वेबिनार को नहीं देखता। तो जब आप ये लाइन इस्तेमाल करोगे ना, तो लोग पूरा वेबिनार को देखेंगे, और जो पर्सन, जो प्रोस्पेक्ट पूरा वेबिनार को देखते हैं ना, 100% चांसेस होता है कि वो इंटरेस्टेड होता ही होता है। और नॉट इंटरेस्टेड वो पर्सन बोलता है जो वेबिनार को ना पूरा नहीं देखता है। ठीक है, लेकिन जो पर्सन पूरा वेबिनार को एंड तक देखता है ना, वो इंटरेस्टेड होता ही होता है। ठीक है, तो आपको इस मैजिकल लाइन को इस्तेमाल करना है आपको अपने इन्विटेशन के अंदर, अगर आप चाहते हो कि आपका इन्विटेशन बहुत ज्यादा बेटर हो जाए। ठीक है, तो आप इस दो मैजिकल लाइन को इस्तेमाल करो, आपका इन्विटेशन काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो अभी मैंने आपको ये तो बता दिया, ठीक है, कि कौन से मैजिकल लाइन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ना मेरे चैनल पे बहुत सारे इनविटेशन की वीडियोस अपलोडेड है। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस डाल रखा है इनविटेशन के ऊपर। अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक डाला है, ठीक है, जिसमें मेरी आज तक मैंने जितनी भी इनविटेशन की वीडियो मैंने अपलोड करी है ना, उसमें आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो आप एक बार वो सारे वीडियोस को गो थ्रू जरूर करना। अगर आप और भी अपने इनविटेशन स्किल्स को बेटर बनाना चाहते हो तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखना, उसमें आपको सारे इन्विटेशन के ऊपर जो मेरी वीडियोस है आपको दिखेंगी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखो और अपने इन्विटेशन स्किल्स को बेटर बनाओ, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे को कॉमेंट में जरूर बताना, ठीक है। सो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। टिल द टाइम विश यू गुड health and forever success।